वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं बैंगन की ये सब्जी। ये बैंगन की जो सब्जी है ये भरकर हमने मसाले भरकर बनाया है बैंगन में। ये नॉर्मल तरीके से जो हम लोग कट करके बैंगन बनाते हैं उस तरह से नहीं, हमने बैंगन को पूरा साबुत रखा है और सिर्फ चीरा लगाया है और उसमें मसाले भरकर बनाया है। और ये वाइट कलर का बैंगन है, जो हम लोग का नॉर्मल जो ग्रीन कलर का और जो बैगनी कलर के बैंगन होते हैं ब्रिंजल, वो नहीं है, ये वाइट कलर के हैं। और ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और ये पतला वाला बैंगन रहता है और ये साइज में भी छोटा रहता है। तो इसका इस तरह से मसाले भरकर बनता है तो काफ़ी डिलीशियस लगता है। और इसका साइज इतना ही बड़ा मार्केट में मिलेगा, ये बड़ा साइज का नहीं आता है और वाइट कलर का रहता है, वो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। बनने के बाद इसका कलर टर्न हो जाता है जैसे सभी बैंगन का होता है। और हमने इसमें लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है, तो चलते ही इसे बनाने। फ्रेंड्स, ये वाइट वाला ब्रिंजल है बैंगन। अगर इसका डंठल ऊपर ना दिखे तो ये आपको मूली की तरह दिख सकता है दूर से इस तरह से, लेकिन ये ब्रिंजल है। आज हम इसे बनाएंगे। ये मार्केट में हर जगह मिलता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे धो लेते हैं। इसे हमने धो लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। हम इसका इस तरह से डंठल भी कट कर लेंगे और ये सब किनारे से सब कट कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसका अंदर भी वाइट रहता है और बाहर भी ये ब्रिंजल है। और इसी तरह से हम कट करेंगे। ये कट करते समय इस तरह से हो जाता है, जब नया कट करता है तो इस तरह से ही रहता है। अब हम इसमें ये जो है जो ख़राब हो जाता है उसे हमने निकाल दिया है। और इसका कलर सेब की तरह टर्न हो रहा है, ये थोड़ी ही देर में रेड कलर का हो गया है। तो अब इसके लिए हम मसाले तैयार करेंगे। मसाले में 1 टेबल स्पून ये धनिया है, हल्दी 1 टी स्पून है, 1/2 टेबल स्पून मिर्च है क्योंकि ये मसालेदार बन रहा है। और हम इसे बिना लहसुन और बिना प्याज का बना रहे हैं। काली मिर्च और जीरे का पाउडर वो भी है 1 टी स्पून, 1/2 टेबल स्पून सरसों का जो होता है पाउडर वो है, जिसे राई भी कहा जाता है, ये ब्लैक पला का पाउडर है। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है। अब हम इसमें भरेंगे। इस तरह से सभी में भर लेना है, पूरे अंदर तक हर लेयर में टोटल में इसी तरह से करना है। इस तरह से हमने सभी में मसाले को भर दिया है। और इधर ये हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑयल हमने ऐड कर दिया है, इसका कलर भी टर्न हो गया है। अब हम इसमें तड़का डालेंगे। तड़के के रूप में हम 5 फ़ोरन ऐड करेंगे। 5 तरीके के उसमें मसाले होते हैं। अब हम इसमें हमारे जो सब्जी है वो डालेंगे। ये हमने डाल दिए हैं और इसे हम भूनेंगे। ये व्हाइट कलर का ब्रिंजल है, इसलिए ये येलो कलर का दिख रहा है, इसका कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर नॉर्मल जो ब्रिंजल होता है बैगनी कलर का, वो इस कलर का नहीं दिखता है। और उसके ऊपर वो हल्दी का जो होता है वो कलर वो भी नहीं चढ़ता है। ये हमारा ब्रिंजल भी भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि ये पक चुका है और मसाले भी अच्छी तरीके से भून गए हैं। पानी ऐड करके ढकना है और फ्लेम को
मीडियम से रखना है, हाई और येलो नहीं रखना है। हाई से ड्राई हो जाता है वाटर, और जो थोड़ा सा हमें ब्रिंजल पकाना रहता है वो पकता नहीं है। ये इस तरह से पक रहा है, अभी थोड़ा सा पानी है, इसे हम पूरी तरीके से ड्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये ब्रिंजल का जो सब्जी है कितना आसानी से, कितना जल्द बनकर तैयार हो गया, और इसे बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है नॉर्मल बैंगन की सब्जी की तरह। पहले उसे भुना जाता है, फिर मसाले भुने जाते हैं, इसमें सभी एक साथ भुन जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने कर लिया है इसके लिए थैंक्स। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।